शिवपुरी जिले के राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज जहां पर कई प्रकार की अवस्थाएं देखी गई। शिवपुरी शहर का एकमात्र प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, जिसको पिछले कोरोना काल में सुचारू रूप से शुरू किया जा चुका है, जिसमें दिन प्रतिदिन मरीजों की काफी भीड़ भाड़ होती है। वहीं आपको बता दें कि जब आज देखा गया कि पर्चे बनाने वाले काउंटर पर मैन्युअली पर्चे बनाए जा रहे हैं, जिसमें काफी समय भी लग रहा है और एक मरीज को लगभग 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। इतना समय लगने से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां वर्तमान में सारे काम डिजिटल हो चुके हैं, वही शहर का एकमात्र प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज जो अभी भी मैन्युअली पर्चे बनाकर अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, और जहां नहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और ना ही वहां कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद है। जैसा कि आप इस परेशानी से अवगत करा रहे हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर भीड़ भाड़ है, तो जो अवेलेबल व्यवस्थाएँ हैं उसके अनुसार अभी हमने अपने 2 काउंटर चालू कर रखे हैं। चूँकि अभी हमारा जो HMIS का सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस में है, भोपाल से जब उसका परमिशन आ जाएगी और वहाँ से वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएगा तो फिर कंप्यूटराइज पर्चे बनना शुरू हो जाएंगे। चूँकि 400 से 500 मरीज पर डे आ रहे हैं तो इस कारण थोड़ा सा वहाँ टाइम तो लगता है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात रही सोशल डिस्टेंसिंग की, तो इसमें जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड बॉय हैं वो लोगों को इस संबंध में जानकारी देते हैं, उनको अवेयर भी करते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो हमारी जनता है उससे अपील है कि जो नियम बनाए गए हैं कोविड प्रोटोकॉल उनका पालन करें, क्योंकि आपका अगर सहयोग हमें मिलता रहेगा तो मेडिकल कॉलेज शिवपुरी आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और आगे भी यहाँ जनता की सेवा में हम लोग कार्यरत रहेंगे। देखिए, चिकित्सा व्यवस्था है ये एक सतत प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूस एक सर्विस है, चीज़ें होते होते हो रही हैं। पहले कुछ नहीं था, जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज था ही नहीं शिवपुरी में, फिर मेडिकल कॉलेज बना तो उससे लोगों को यहाँ चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होना शुरू हो गई हैं। अभी मैनुअल पर्चे बन रहे हैं, हो सकता है कि एक आध महीने में या 15 दिन में हमारे कंप्यूटराइज पर्चे बनने लगेंगे तो लोगों को और अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो सुविधाएँ हमें जो प्रदान की गई हैं शासन स्तर से, उसमें हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।